स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 और एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है सोल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये पेयर गिवन है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें इसको सोल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और फिर हमें m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच y = mx + 3। मीन्स पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और फिर उसको यूज करके, मीन्स वहां से जो x और y की वैल्यू मिलेगी हमें, हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से फिर उसको सोल्व करेंगे हम और फिर वहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यहां पे मेरे बच्चों हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है। एक तो है 2x + 3y = 11, ये 1, और जो सेकंड है हमारे पास 2x - 4y = -24, ये सेकंड। पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सोल्व करेंगे। अब यहां पर देखो, किसी का भी कोफिशियंट ना एक्स का ना वाई का, ना एक्स का ना वाई का, 1 या -1 है, तो कोई भी कोफिशियंट 1 या -1 नहीं है, तो कोई भी आप ले सकते हो। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से वाई की वैल्यू, यहां से एक्स की वैल्यू, यहां से वाई की वैल्यू, सेम सही रहेगा, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कोफिशियंट 1 या -1 होता, तो हम उसको चूज कर लेते, एक दो स्टेप कम हो जाते, थोड़ा सा इजी हो जाता हमारे पास। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस जगह से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x = 11 - 3y, इसको इधर ले। अब x = 11 - 3y/2, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब नाउ putting the value of x in equation 2, तो equation 2 में put कर देते हैं इसको। equation 2 है हमारे पास 2x - 4y = -24। अब इसमें x की value put करेंगे तो 2 × ये आ गया 11 - 3y/2 - 4y = -24। अब यहां पे देखो 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें क्या करना होता, जो भी डिवाइड में है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है पूरी इक्वेशन को। अब यहां से हमारे पास आ गया 11 - 3y - 4y = -24, 11 - 7y = -24, -7y = -24 -11, -7y = -35। माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो y = 35/7, 1 पे और 5 पे, तो y = 5। तो यहां पे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज y = 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। नाउ putting the value of y in x = 11 - 3y/2, तो x आ जाएगा 11 - 3, y की वैल्यू है हमारे पास 5/2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 माइनस, यहां की 3 की 5 के साथ करेंगे तो 15/2, x = -4/2, कैंसिल कर लेंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो एक आंसर तो हमारा ये है, वेरीफाई कर लो, x की जगह पे -2 कितने हो जाएंगे, -4, y की जगह पे 5, 3 की 5 के साथ करेंगे 15, -4 + 15, तो +11 रह जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही आंसर, यहां पर रखना चाहो तो यहां पर रख सकते हो, 2 × -2 -4 हो गए,
यहाँ पे 5 रखेंगे तो माइनस 4 की 5 के साथ करेंगे माइनस 20, माइनस 4 और माइनस 20 माइनस के 24 हो जाएंगे, यानी कि ये तो सही है। अब आगे देखते हैं, हमें m की वैल्यू निकालनी है। नाउ हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब इसको यूज कर लें, अब इस इक्वेशन में इसको अगर हम 3 मान लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, y की जगह पे 5 हो गया, m ऐसे ही x की जगह पे माइनस 2 और प्लस 3, 5 इज इक्वल टू माइनस 2 एम प्लस 3। इस 3 को इधर ले आए या इस 2m को इधर ले आओ, माइनस 2m इधर आके प्लस का आ जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है m की, 3 यहां पे है ये और ये 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, 2m दैट इज इक्वल टू माइनस 5 सॉरी माइनस 2 क्योंकि 3 माइनस 5 है तो माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 1 पे कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये इसका सेकंड आंसर आ गया। आप यहां पे ऐसे भी कर सकते थे कि 3 को इधर ले आओ, 5 माइनस 3 यहां पे माइनस 2m रहेगी तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय माइनस 2, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा तो m इज इक्वल टू 1 और ये माइनस हम आगे लिख देते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है हमें, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहां पे जो पार्ट 1 है इसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, तो उनको आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहां पे हमारे पास अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो हम यहां पे लिख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो डिफरेंस की बात करें एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर का, एक ये बात है, फाइंड देम। तो हम क्या लिख लेते हैं कि लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर या सेकंड नंबर एंड अदर नंबर या फिर सेकंड नंबर, इसको हम मान लेते हैं वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, इनका डिफरेंस 26 है, हम x को ग्रेटर मान लेते हैं, तो x में से जब y को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26, एक कंडीशन तो ये होगी हमारे पास, जब हम x में से y को माइनस करेंगे, हमने वन नंबर को x मान लिया, सेकंड नंबर को y मान लिया और उनका डिफरेंस 26 है, तो हम ग्रेटर नंबर x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर y मान लेते हैं, तो इनका डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक इसी तरह से एक और कंडीशन है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर का। अब देखो जिसको समझते हैं पहले, जैसे मान लो 15 है, 15 ये 5 का 3 टाइम है, 3
15 है जो वो 5 का 3 टाइम है, तो 5 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से 21 है वो 7 का 3 टाइम है, तो 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इनमें से बड़ा नंबर तो x ही है तो हमने x लिखा, और छोटा नंबर y है तो ये जो बड़ा नंबर है वही इसका 3 टाइम होगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई, ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई, यहां पे हम लिख देते हैं सेकेंड कंडीशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों कंडीशन से को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। एक तो है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, ये हमारे पास सेकेंड। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, देखो x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू आ रही है हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। यहां से x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, हम लिखेंगे के पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू हमने 2 से 1 के अंदर पुट कर दी, x की वैल्यू है 3y, तो यहां 3y लिखा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2, तो ये 13 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब क्या करें, y की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 13 यानी कि 39, तो x की वैल्यू होगी 39 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 13, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आप चेक करो इन दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए, 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का, वन नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब देखो 39 का 3 टाइम है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमने अपने जो आंसर है उसकी वेरिफिकेशन कर ली है, हमारा आंसर है जो वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 1। पहले बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट है, और इसमें कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं टू एंगल्स हूज सम इज 90 डिग्री। वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहेंगे, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 72 डिग्री और 18 डिग्री, ये भी हमारे पास कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो सम 90 डिग्री होना चाहिए। सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स हूज सम इज 180 डिग्री, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो अगर एक एंगल 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री, ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल अगर 100 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री, एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी कितना होगा,
90 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 कितने होते हैं 180 होती है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर है दोनों एंगल में से, सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर है वो स्मॉलर से एक्सीड करता है, ज्यादा है, कितना 18 डिग्री ज्यादा है। जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, उनको हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री और स्मॉलर एंगल दैट इज इक्वल टू वाई डिग्री। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सिंस एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स, सो देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनका सम 180 डिग्री होगा। सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज, ये जो सिंबल है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x और y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम बाद में लिख लेंगे, तो बिना डिग्री के आप इनको लिख सकते हैं। एक कंडीशन हमें मिली, यहां पे एक कंडीशन हमें मिल जाती है। ठीक इसी तरह से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया हमारे पास उसके अनुसार जो लार्जर एंगल है वो है एक्स और जो स्मॉलर एंगल है वो वाई है। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर में से अगर स्मॉलर माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई। अब देखो आपको इन दोनों कंडीशन को सोल्व करना है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एक तो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और एक है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहां से बिल्कुल इजी हो गया, सबके कोएफिशिएंट 1 या 1 माइनस 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका माइनस 1, तो कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस 1। नाउ putting the value of x in equation 2, क्योंकि x से 1 से निकाले तो 2 में पुट कर देते हैं, 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई और ये भी y माइनस का, दैट इज 18, 180 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 18, माइनस टू आई इज इक्वल टू 18 माइनस 180, माइनस टू आई इज इक्वल टू माइनस 162। ठीक है, माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, 81। तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 81, तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation किसमें, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस y की वैल्यू है हमारे पास 81, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, अगर ये 80 होती, अगर ये 80 होते तो हमारे पास कितना आ जाता, 100 आ जाता। अभी 81 है तो 99 आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, x इज 99 डिग्री और y इज 81 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, सो
लार्जर एंगल, यहीं पे भी आप आंसर लिख सकते हो, देखिए हमने बता दिया वहां पे, लार्जर एंगल दैट इज इक्वल टू 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल दैट इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब अपने आंसर को चेक जरूर करोगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर करोगे, जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखो। उसने कहा कि ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि इनका जो सम है 180 आना चाहिए, 9 और 110 0 कैरी 1, 9 और 8 17 और 1 18, तो 180 पूरा हो जाता है। सही है, हमारे पास क्या है 99 और 81 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 0 180 हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। सेकेंड जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड करता है 18 डिग्री, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करते हैं तो 18 आना चाहिए, 9 में से 1 8, 9 में से 8 1, तो ये भी कंडीशन सही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक की गुंजाइश अब नहीं बची है। नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पार्ट में क्या है हमारे पास। बात करें अगर पार्ट थर्ड की, तो पार्ट थर्ड में हमें कहा गया है यहां पे द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फोर रुपीज 3,800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फोर रुपीज 1,750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हर एक बैट की और हर एक बॉल को कि आपको क्या करना है, जो कॉस्ट है वो फाइंड करना है। तो यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है हमारे पास, ही दोबारा से देख लेते हैं। यहां पे द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स एट रुपीज 3,800, लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब 1 बैट की और 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यहां पे इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट दैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, या फिर इंडियन फॉर्मेट में लिख दो रुपीज एक्स, क्योंकि बैट की और बॉल की कॉस्ट निकाल ली। ठीक इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वाई मान ली, अब कंडीशन है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, फर्स्ट 7 बैट्स, 1 बैट एक्स रुपीज क्या है तो 7 बैट 7 एक्स रुपीज के हो, 6 बॉल्स 1 बैट बॉल वाई रुपीज क्या है तो 6 बॉल 6 वाई रुपीज की हो, और इनको ऐड कर देंगे तो टोटल बिल बन जाएगा। टोटल बिल कितना है 3,800, ये हमारे पास कंडीशन 1 आ गई, लीनियर इक्वेशन 1 आ गई। ठीक इसी तरह से
सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे कहा गया लीडरशिप बॉयज थ्री फैक्ट्स, यहां पर लिख लेते हैं अगेन अक्यूरेटली क्वेश्चन। थ्री बैट्स से लिखे 3x, फाइव बॉल्स मीन्स 5y, फोर रुपीज 1000, यानी कि टोटल बिल आ गया कितना है वो 1750 रुपीज। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब जैसे हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या बन सकता है। तो यहां पे हमें क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है तो आप x की वैल्यू निकाल के y में पुट कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल के x में पुट करते हो, जो मर्जी कर सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां पे x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करने से कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास हो गया 7x है हमारे पास, 7x दैट इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। अब ये x की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाल लिया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम x इन इक्वेशन टू में हम इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन टू है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। अब डिवाइड बाय 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 7 वी गेट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से तो 7 कट जाएगा, यहां तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी बस। चलो लिख देते हैं एक बार, 3 मल्टीप्लाई बाय 3800 माइनस 6y प्लस इसकी 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 35y, और इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 35 से 5 2 और ये 12, 7 से मल्टीप्लाई 0 ठीक है। अब यहां से इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0, 24 से 4 9 और 2 11 माइनस 18y प्लस के 35y दैट इज इक्वल टू 12250। 18y और प्लस के 35y है तो 17y प्लस के रह जाएंगे, 17y हमारे पास प्लस के रह जाएंगे दैट इज इक्वल टू 12250। तो 17y दैट इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, 17y दैट इज इक्वल टू, इसमें से 11400 को जब माइनस करेंगे तो 0, ये 5, ये 8, ये 0 और आगे भी 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 850 आ जाएगा जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 850 डिवाइड बाय 17, 17 बन जाए 17 5 पे तो ये 50 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। नेक्स्ट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन, इसमें रख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। तो एक्स आ जाएगा 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 300 डिवाइड बाय 7, तो ये 3500 डिवाइड बाय 7, 1 पे 5 पे x इज इक्वल टू 500। तो अभी आ गया हमारे पास आंसर, तो हम लिख सकते हैं कि सो कॉस्ट ऑफ
ईच बैग दैट इज इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल रुपीज 50। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चेक कर ले, कोई भी एक कंडीशन में चेक रख के इसको चेक कर सकते हैं। सेवन बैट्स, वन बैट 500 का है तो सेवन बार बैट हो जाएंगे, सेवन से मल्टीप्लाई करोगे 3500 के, प्लस वन बॉल 50 रुपीज के है तो सिक्स बॉल, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो इनको जब प्लस करेंगे 35 3 38 और 00 सही आ गया। तो बिल्कुल सही है हमारे पास, हमारा आंसर ठीक मिलेगा, हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपने 3.1 में पढ़ा है, 3.2 में भी इस तरह के हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन में किया, सेकेंड में भी किया, और अभी भी हम लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। मेरे बच्चों अगर बात करें पार्ट फोर की, तो पार्ट फोर में हमारे पास इसमें कहा गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इसको समझना आप, आपने बात को, इसमें क्या कहा गया है, इसमें उसने कहा है फोर्थ पार्ट में द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। उसके बाद में पूछ रहे हैं हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग a distance of
25 किलोमीटर। तो यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसी कुछ विशेष नहीं है। यहां पे बताया गया है कि जब आप किसी शहर में, किसी शहर की बात हो रही है कि उसमें अगर आप कोई टैक्सी हायर करते हो, तो जब टैक्सी हायर करोगे तो उस टैक्सी को हायर करने का कुछ फिक्स्ड चार्ज है, कुछ फिक्स्ड किराया है, और जितने किलोमीटर जाओगे आप उसका किराया अलग से है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक पर्सन है, उसने टैक्सी हायर की और उसको कितने किलोमीटर जा रहे हैं, कहीं 5 किलोमीटर जा रहे हैं। तो जब उसने टैक्सी हायर की तो उसको टैक्सी हायर करते ही कुछ फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना भी हो सकता है, 100 रुपीज हो सकता है, 200 रुपीज हो सकता है, 300 रुपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कि ये रुपीज 100 है, 100 रुपीज है, ये थोड़ी देर के लिए ये मान लो, और उसको जाना 5 किलोमीटर है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है, मान लो उस टैक्सी का चार्ज पर किलोमीटर वो ₹10 है, 5 किलोमीटर का ₹10 है, तो टोटल जो होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एक तो फिक्स्ड चार्ज जो उसने पे किया, कितना पे करेगा वो, 100 रुपीज। उसके अलावा 1 किलोमीटर के 10 रुपीज है, तो 5 किलोमीटर के 50 रुपीज हो जाएंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 रुपीज ये उसका टोटल चार्ज हो जाएगा। ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो बात हो रही है एक तो फिक्स्ड चार्ज की और एक चार्ज पर किलोमीटर की, ये हमें निकालना है। इट मीन्स ये हमारे वेरिएबल है, इट मीन्स ये हमारे वेरिएबल है, तो इनको हम x और y मान लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इनको हम क्या कर लेते हैं, x और y मान लेते हैं। यहां पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज दैट इज इक्वल टू रुपीज x, ये तो फिक्स है, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए, वो 10 किलोमीटर जाए, 50 किलोमीटर जाए, कितने भी किलोमीटर जाए, ये तो फिक्स है, एक्स रुपीज लगेंगे। और उसके बाद जितने किलोमीटर जाएगा उसका अलग से है, उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको हम मान लेते हैं वाई रुपीज, उसको हम मान लेते हैं वाई रुपीज। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस थोड़ा सा समझ रहे हैं, अगर आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, हमने एक्स मान लिया, टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमने चार्ज पर किलोमीटर वाई मान लिया, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अब देखो 10 किलोमीटर के लिए, यहां पे देखते हैं, ये 5 किलोमीटर का बनाया था हमने, अगर हम 10 किलोमीटर का बनाएं तो फिक्स्ड चार्ज तो 100 रुपीज ही रहेगा, और 1 किलोमीटर का 10 रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 100 हो जाएगा, फिक्स्ड 100 हो गया और चार्ज पर किलोमीटर 100 हो गया, तो जो टोटल पेड करना पड़ेगा वो 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, अब आप इसको ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जब एक कैंडिडेट ने टैक्सी हायर की तो फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड चार्ज ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा
क्या जितने किलोमीटर कवर किए उसने, मान लो उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर की और जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है, जितने किलोमीटर उसने कवर किए उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो किलोमीटर का चार्ज है वो हमें मिल जाएगा। अब यहां पे देखो कि उसने कहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कितने रुपए पे किए, 105। अब उसने टैक्सी हायर कर ली भाई और 10 किलोमीटर वो उसमें ट्रेवल किया, तो जब टैक्सी हायर की तो फिक्स जो चार्ज है वो लग गया, कितने रुपए लग गए, एक्स रुपीज लग गए, फिक्स चार्ज के उसके एक्स रुपीज लग गए। और लेकिन ये तो फिक्स चार्ज है तो लगना ही लगना था, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए चाहे वो 10 किलोमीटर जाए। और गया कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने लग रहे हैं, वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर के कितने लग जाएंगे, 10 वाइज। तो 10 वाई ये जो चार्ज हो गया उसका, जितने किलोमीटर ट्रेवल किए उसके नाम का चार्ज हो गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल चार्ज जो उसने पेड किया वो आ जाएगा, कितना पेड किया है, 105। तो ये हमारे पास वन कंडीशन वन की। किसी तरह से सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 155, चार्ज पेड इज 155। तो जब 15 किलोमीटर गया फिक्स तो एक्स ही रहेगा, और क्या वाई पर किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया तो 15y आ गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो 155 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आई। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है, बड़ा इजीली आप सोल्व कर पाओगे, इजीली आप इसको सोल्व कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करिए। वैसे भी देखो यहां तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको आपको सिर्फ इधर लेके आना है, आप इसको सिर्फ इधर लेके आओगे। तो यहां पे अगर हम इसको यहां पे लें, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये सेकंड है हमारे पास, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहां से देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस 10y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155, एक्स की वैल्यू आई 105 माइनस 10y प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 155। तो 105 प्लस के 5y आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 10y और प्लस के 15y है, तो 155 इसको इधर ले आएंगे तो 5y दैट इज इक्वल टू, यहां थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 5y दैट इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, तो 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब ये जो y की वैल्यू है हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10 है, 105 माइनस 100 तो कितना आ गया, 5। अब यहां से हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। सो फिक्स्ड चार्ज x है हमारा, दैट इज इक्वल टू रुपीज 5, एंड चार्ज पर किलोमीटर ये हमारा वाई है, वाई की वैल्यू 10 है, तो रुपीज 10। यहां तक तो पहुंच गया, चेक कर लो
फिक्स्ड चार्ज तो 5 है और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 है। उसने क्या कहा कि 10 किलोमीटर के कितने रुपए पे किए, 105। फिक्स्ड 5 है, 5 तो लगने ही लगने थे। 1 किलोमीटर के 10 लगेंगे तो 10 किलोमीटर की 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। दोबारा से देखिए, अगर दूसरी कंडीशन के लिए अगर 50 किलोमीटर चला तो 55 लगे, फिक्स्ड 5 है, 1 किलोमीटर के 10 लग रहे हैं तो 15 किलोमीटर के 10 की और 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 तो ये हो गया और 150 ये हो गया, तो 155। तो ये भी सही है, यानी कि यहां तक तो ठीक है। इसमें एक और बात कही गई, आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट पर किलोमीटर, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट पर किलोमीटर, ये तो निकाल दिया हमने। हाउ मच डज ए पर्सन पे हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, हम लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्या होगी, देखो भाई, एक्स तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस किलोमीटर के हिसाब से वाई लगने हैं, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज लगने हैं, 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 वाई लगेंगे यहां पे। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, 25, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, तो 5 तो ये हो गए और 250 ये हो गए, ये 255 रुपीज। यस, क्या के लिख दो के रुपीज 255, तो एक आंसर हमारे पास ये। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकली सोच लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर आप उस तरह से सोच नहीं पाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। मैंने जो एग्जांपल कोट किया था, कहीं भी हम जा रहे हैं तो अगर हमें 25 किलोमीटर जाना है तो उससे अगर हमने पूछा कि 25 किलो टैक्सी वाले से पूछा कि 25 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, तो उसने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, लेकिन कुछ फिक्स भी है किराया, शुरू में ही फिक्स है, आप गाड़ी में बैठते ही कुछ ना कुछ तो किराया लगेगा, आप उसको रजिस्ट्रेशन कह लो गाड़ी का या फिक्स किराया उसको कह लो, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हो, तो फिक्स तो लगना ही लगना है। बाकी जितने किलोमीटर आप जाओगे उसके हिसाब से पर किलोमीटर के जो रेट है उसके हिसाब से उसकी मल्टीप्लाई होकर टोटल हो जाएगा, तो ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी पार्ट 5 की तरफ। फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास ए फ्रैक्शन बिकम फ्रैक्शन बिकम्स 9 डिवाइड बाय 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से 2 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 7, 9 डिवाइड बाय 10, तो जनरली अगर हम बात करें तो a डिवाइड बाय b, लेकिन x और y यूज कर रहे हैं तो हम x डिवाइड बाय y कर लेते हैं। ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया,
इसको पूरे को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस पे बात हो चुकी है। तो हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू वाई। न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने वाई मान लिया। सो फ्रैक्शन इज एक्स डिवाइड बाय वाई। तो हमें ये निकालना है, उसने क्या पूछा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के लास्ट में इसके अंदर पुट कर देंगे, हमें फ्रैक्शन का पता चल जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब आ जाओ कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 डिवाइड बाय 11। फ्रैक्शन हमारे पास x डिवाइड बाय वाई है, ये 9 डिवाइड बाय 11 हो जाएगी इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y। तो x में भी 2 ऐड कर दिया और y में भी 2 ऐड कर दिया। तो ये जो पहले फ्रैक्शन थी x डिवाइड बाय वाई, अब वो कितनी बन गई, 9 डिवाइड बाय 11 बन गई। तो हम इसको 9 डिवाइड बाय 11 के इक्वल लिख देते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट ये हो जाएगा 11x प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 9y प्लस 18। एक्स और वाई के इधर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट इधर कर लेते हैं, 9y इधर आ जाएगा, 11x माइनस 9y दैट इज 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये कंडीशन लीनियर इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे। कर दो भाई, न्यूमरेटर x था तो x में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर y था तो डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, इट बिकम्स 5/6। तो ये 5/6 हो जाती है। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 5/6 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे ही मल्टीप्लाई, 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 और 5 की इसके साथ करेंगे तो 5y प्लस 15। 5 वाले टर्म इधर आ जाएंगे, 6x माइनस 5y दैट इज 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन। अब प्यारे बच्चों एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये होगी और दूसरी लीनियर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ये आपके लिए वर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, सेकंड में किया है और थर्ड के 4 पार्ट्स में किया है, इसको आप सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 या -1 नहीं है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या यहां से y की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, सेम ही रहेगा। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल के और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहां से फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। वो x और y की वैल्यू आई है जो इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि उसने पूछा कि फ्रैक्शन फाइंड करो, फ्रैक्शन क्या होगी, x डिवाइड बाई वाई, तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें फ्रैक्शन का पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5th पार्ट। नेक्स्ट 6th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास, इसमें कहा गया है
फाइव ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो यहां पे 5 ईयर हेंस मतलब 5 ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद की बात कर रखी है एंड 5 ईयर एगो 5 ईयर पहले की बात कर रखी है. एज का कंपैरिजन दे रखा है और प्रेजेंट एज पूछ रखी है. तो यहां पे हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट एज, तो हम प्रेजेंट एज को मान लेते हैं. अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर्स और इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन ये वाई ईयर्स, इसको हमने मान लिया वाई ईयर्स. अब 5 ईयर पहले और 5 ईयर बाद के बारे में बात करिए, वो भी निकाल लेते हैं. आफ्टर फाइव ईयर्स एज ऑफ जैकब दैट इज इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगी इसमें. अगर कोई 18 ईयर्स का है तो 5 ईयर के बाद 13 ईयर्स का हो जाएगा. कोई 15 ईयर्स का है तो 5 ईयर के बाद वो 20 ईयर्स का हो जाएगा. तो प्लस हो जाएंगे 5 ईयर्स यानी कि एक्स प्लस 5 ईयर्स. एंड आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब्स सन, इसमें भी 5 प्लस कर देंगे, वाई प्लस 5 ईयर्स. एक तो ये हो गया प्रेजेंट हो गया और आफ्टर 5 ईयर्स हो गया. 5 ईयर पहले की भी बात हो रही है, लिख देते हैं कि 5 ईयर्स एगो एज ऑफ जैकब, 5 ईयर एगो पहले तो कम होगी. अगर कोई 15 ईयर का है तो 5 ईयर्स 5 साल पहले, 5 ईयर पहले वो कितने होगा, 10 ईयर्स का होगा. तो 5 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो एक्स माइनस 5 ईयर्स. 5 ईयर एगो एज ऑफ जैकब्स सन ये वाई माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा. अब ये आ गया हमारे पास. अब हमें कंडीशन के अनुसार चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. रिपीट करते हैं, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज है विल बी थ्री टाइम होगी दैट ऑफ हिज सन. विल बी थ्री टाइम 5 ईयर हेंस मीन्स 5 साल के बाद होगी. तो 5 साल के बाद वाला देखो, आफ्टर 5 ईयर वाला देखो. इसमें
फाइव ईयर के बाद जैकब की एज है एक्स प्लस फाइव और उसके सन की एज है वाई प्लस फाइव। ये वाली थ्री टाइम होगी इसकी, ये वाली इसकी थ्री टाइम होगी, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से x प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस फिफ्टीन, इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस फाइव, तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन, एक कंडीशन आ गई। अब फिर एक और अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अब की बार क्या कहा गया कि फाइव ईयर एगो पांच साल पहले जैकब्स एज वाज सेवन टाइम थी दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के मुकाबले। फाइव ईयर एगो पांच साल पहले जैकब की एज क्या थी एक्स माइनस फाइव और सन की एज क्या थी वाई माइनस फाइव। अब ये कितनी थी सेवन टाइम थी इसके, तो इसको सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक्स माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस थर्टी फाइव, सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले आए एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव, तो एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी। तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई और सेकेंड कंडीशन आ गई, इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन, फर्स्ट x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन, और सेकेंड है x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी। सेकेंड इजी है, यहां से देखो x की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे हम, टेन प्लस थ्री वाई, एक्स की वैल्यू आएगी टेन प्लस थ्री वाई, यहां पर पुट कर दी, यहां पर जब हम इसको पुट करेंगे तो ये 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 10 माइनस 4y प्लस के 3y माइनस के 7y, तो माइनस के 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 30 इंप्लाइज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और ये इधर आके माइनस का 10, तो यहां से दिस इंप्लाइज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस कैंसिल कर दिया, y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 मीन्स 10 आ गया हमारे पास, तो y की वैल्यू 10 आ गई, y हमारे पास 10 आ गया, y 10 है तो y 10 इसके अंदर पुट कर देते हैं। x हमारे पास कितना है 10 प्लस 3y, तो x की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इज इक्वल टू 40, तो x हमारे पास 40 आ गया और y हमारे पास 10 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप लिख दोगे कि सो जैकब्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू जैकब एक्स, यानी कि 40 इयर्स और जैकब्स सन प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू 10 इयर्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चेक करो, उसने कहा था कि फाइव ईयर हैंस पांच साल के बाद जैकब हो जाएगा 45 का और ये हो जाएगा 10 से 15 का, तो देखो थ्री टाइम है, बिल्कुल सही है, और पांच साल पहले 40 से वो 35 का बनेगा और 10 से वो 5 का बनेगा, वो सेवन टाइम, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब जो हमने सोल्यूशन निकालना है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाते हैं और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज है उसमें 3 ही क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।